हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू प्रिपेयर एंड सबमिट 50 ml पेपरमिंट वाटर कंसंट्रेटेड बीपीसी 1968 विथ अ नीट लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 50 ml पेपरमिंट वाटर कंसंट्रेटेड प्रिपेयर करने वाले हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपियर कोडेक्स। इसके लिए जो रिक्वायर्ड केमिकल है वह आपका पेपरमिंट ऑयल एंड एल्कोहल, और जो ऑपरेटर्स चाहिए इसके लिए वह है आपका आयोडीन फ्लास्क, बीकर, फनल एंड मेजरिंग सिलेंडर। आयोडीन फ्लास्क यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो पेपरमिंट ऑयल है वो इवेपोरेट ना करने पाए, इसलिए आयोडीन फ्लास्क यूज़ किए जाते हैं। इसका जो फार्मूला है वह आपका पेपरमिंट ऑयल 1000 ml प्रिपेयर करने के लिए कितना चाहिए, 20 ml, एल्कोहल 600 ml एंड प्योरीफाइड वाटर QS means quantity sufficient to produce 1000 ml। कहने का मतलब ये फार्मूला दिया हुआ है 1000 ml के लिए, means अगर 1000 ml पेपरमिंट वाटर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए पेपरमिंट ऑयल कितना चाहिए, 20 ml, एल्कोहल कितना चाहिए, 600 ml एंड सफिशियंट वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml। अब बात करते हैं थियरी की। ऑफिशियल पेपरमिंट स्प्रिट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूशन विद मैशरेशन प्रोसेस, बट पेपरमिंट स्प्रिट बीपीसी इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूशन मेथड इन विच पेपरमिंट ऑयल इज डिजॉल्व इन एल्कोहल। पेपरमिंट ऑयल इज ऑब्टेंड बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम द फ्रेश फ्लावरिंग टॉप ऑफ मेंथा पेपरिटा फैमिली। ये तो रहा थियरी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर का फॉर्मूला है क्वांटिटी गिवन अपॉन क्वांटिटी टेकन। गिवन क्वांटिटी को रिक्वायर्ड क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1000 ml के लिए दिया हुआ है और हमको 50 ml प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फैक्टर कितना आ जाएगा, 20। अब क्या करना है, जो गिवन क्वांटिटी है उसको फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स जो पेपरमिंट ऑयल होगा वह कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 ml। ये कैसे आया, 20 को 20 से डिवाइड किया हमने तो 1 आ गया। तो हमको 1 ml पेपरमिंट ऑयल चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 50 ml पेपरमिंट वाटर। इसी तरह एल्कोहल के लिए कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, 600 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 30। वैसे प्योरीफाइड वाटर कितना चाहिए आपको, 1000 ml गीला दिया हुआ है, 1000 ml दिया हुआ है, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो कहने का मतलब 30 ml एल्कोहल चाहिए आपको, 1 ml पेपरमिंट ऑयल चाहिए और वाटर कितना चाहिए, इन सब को 50 ml तक मेकअप करने के लिए जो रिक्वायर्ड वाटर होंगे उतनी वाटर की क्वांटिटी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। डिसॉल्व द पेपरमिंट ऑयल इन द एल्कोहल एंड देन ऐड सफिशियंट प्यूरिफाइड वाटर इन सक्सेसिव स्मॉल क्वांटिटीज विथ विगरस शेकिंग After each addition to produce 50 ml, and then add 1 gram purified talc, shake and set aside for a few hours, shake occasionally and filter. तो प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पेपरमिंट है उसको एल्कोहल में डिजॉल्व कर लेना, क्योंकि ये जो पेपरमिंट है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। डिसॉल्व करने के बाद जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करके
उसको विग्रस सेकिंग करते हैं ताकि वो वाटर पूरा तरह से डिस्पर्स हो जाए, मिक्स हो जाए उसमें। इसी तरह से रिक्वायर्ड जितनी क्वांटिटी है पूरी वाटर क्वांटिटी को हम ऐड कर देते हैं और वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं कितना, 50 ml विथ वाटर। ये सब करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें 1 ग्राम टैल्क ऐड कर देते हैं ताकि जो उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं या जो प्रेसिपिटेट हुए हैं वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाए। होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टोरेज की। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड ग्लास कंटेनर इन अ कूल प्लेस टू प्रिवेंट द वोलाटाइलाइजेशन ऑफ वोलाटाइल इन्ग्रेडियंट। तो इसको ग्लास कंटेनर में रखना है, कूल प्लेस पे रखना है और वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना है ताकि जो वोलाटाइल ऑयल्स है पेपरमिंट वो इवेपोरेट ना होने पाए। अब बात करते हैं यूज़ का। इट इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इसके लिए लेबल भी प्रिपेयर करना है। ये लेबल का एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसी टाइप का लेबल आपको प्रिपेयर करना है जिसमें सबसे ऊपर लिखना है पेपरमिंट वाटर BPC 50 ml एंड देन कंपोजिशन में जो लिया हुआ है आपने, मीन्स पेपरमिंट ऑयल लिया हुआ है उसकी क्वांटिटी लिख देनी है सामने, एल्कोहल लिया हुआ है उसकी क्वांटिटी सामने लिख देना है और जितना प्योरीफाइड वाटर आपने यूज़ किया उसकी भी क्वांटिटी लिख देनी है। उसके बाद डोज लिखना है, देन कैटेगरी लिखनी है एंड देन स्टोरेज। उसके बाद बैच नंबर उसमें डाल देना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख देनी है, एक्सपायरी डेट लिख देना है और MRP लिख देना है विथ इंक्लूसिव ऑल ऑफ टैक्सेस एंड सबसे नीचे क्या आपका मैन्युफैक्चर्ड बाई। ये लेबल में सब कुछ एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। कंसंट्रेटेड एरोमेटिक वाटर कंटेन एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। द ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन एल्कोहल इन 90%। सो फर्स्ट द ऑयल इज डिजॉल्व इन एल्कोहल एंड देन प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड। अपॉन एडिशन ऑफ वाटर द नॉन एरोमेटिक टर्पिन्स प्रेजेंट इन द ऑयल आर प्रेसिपिटेटेड। देयरफोर विग्रस सेकिंग ड्यूरिंग ईच एडिशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी। सो रीडिजॉल्व एनी ऑफ द एरोमेटिक पोर्शन ऑफ ऑयल दैट इज टेम्पोरली प्रेसिपिटेटेड and then purified talc ROR French chalk is used as an absorbent। explanation में क्या बताया गया है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये जो पेपरमिंट ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए क्या करना है, एल्कोहल का यूज़ करना है। तो क्या करना है, इसमें पेपरमिंट ऑयल को एल्कोहल में डिजॉल्व कर लेना है एंड देन जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करके उसको विग्रस सेकिंग करनी है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, मींस 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप हो जाए, तो उसको एक तरफ रख देना है और उसमें ऐड करना है टैल्क जिससे कि उसमें जो प्रेसिपिटेटेड पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और सबसे लास्ट में लिखना आपको रिजल्ट। रिजल्ट में क्या लिखना है, 50 ml ऑफ पेपरमिंट कंसंट्रेटेड वाटर BPC वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। ये तो रहा पेपरमिंट वाटर का प्रिपरेशन और उसका पूरा डिटेल। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।